हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना कढ़ाई बुनाई वाली लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। इसके लिए हमें चाहिए ऊन दो टाइप की और मोती और सुई धागा। ये देखिए हमने क्या किया है, सफ़ेद कलर के ऊन को लेके उसको 12 बार एक समान नापकर हमने उसे काट दिया है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है। ये देखिए ये हमने 12 बार इसको काट लिया है और एक सिरे से यानी एक साइड से हमने इसमें एक गांठ लगा दी है इस तरह। देखिए इस तरह से एक सिरे पे गांठ लगा दी हमने ताकि इसको हम एक चोटी की तरह गूंथ पाए। चोटी की तरह गूंथने के लिए हमने एक सेफ्टी पिन की मदद से इसको एक जगह अटका दिया है और फिर तीन बराबर हिस्सों में ऊन के धागों को लिया है और चोटी की तरह गूंथा है। मैंने 15 बार लिया था, मैंने 5-5 करके तीन हिस्से कर लिए हैं इसके और इसको मैंने इस तरह से जिस तरह से अपनी चोटी बनाते हैं बालों की इसको भी गूंथ दिया है हमने। इसी तरह हम इसको गूंथते जाएंगे पूरे ऊन के एंड तक जहाँ तक हमारा ऊन बचा हुआ है। इसको हमने रेडी कर लिया है, बिल्कुल चोटी की जैसी लग रही है ये। मैंने दो तरह की ऊन की चोटी बनाई है, एक ब्लू और एक वाइट। ये वाइट वाली है। अब हमने एक कपड़ा लिया है, आप इसके मैंने कॉटन लिया है, आप चाहे तो गर्म कपड़ा भी लेके इस तरह से जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखा रखा है गोलाई में कट करके बीच में सिर्फ कंधे के लिए काट लिया है और यहाँ पे भी हम एक सिरा लगाएंगे जो कि बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की तरह शेप में आएगी। उसके ऊपर से जो हमने ऊन की चोटी बनाई है इस तरह से रखेंगे और सुई धागे की मदद से इसको उस कपड़े के ऊपर हम सिलते जाएंगे जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के साथ देख देख के बनाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा बनाना। ये देखिए इस तरह से मैंने सेट करके हाथों से सुई और सफ़ेद कलर का मोटा धागा था मेरे पास, उससे मैंने इसको टाका लगाया है। आप चाहें तो ऊन की मदद से भी टाका लगा सकते हैं, बट मेरे पास वाइट धागा अवेलेबल था इसलिए मैंने उसी से इसे सिला है। इस तरह से धीरे धीरे सेट करते हुए गोल आकार में बिल्कुल जो हमारा बेस कपड़ा है उस पर सिलाई करते जाएंगे। ये हमने पूरा सिल लिया है और इस तरह से इतना कपड़ा कवर हो गया है ऊन की चोटी जो हमने बनाई थी उससे। अब हम साइड के लिए छोटे छोटे फूल बनाएंगे जो हम साइड में ऐसे लगा सके। फूल बनाने के लिए देखिए ये हमने एक फूल पहले से बना के रखा है। इस तरह से हम अंदाजे के अनुसार मैंने 12 फूल बनाए हैं ताकि मैं इस पर लगा सकूं। फूल बनाने के लिए एक पैन की मदद से जिस तरह मैंने वीडियो में दिखा रहा है उस तरह से लपेटेंगे और धीरे धीरे इस तरह से राउंड करते जाएंगे। मैंने ऐसा 50 बार किया है और सारे फूलों में एक समान राउंड लगाए हैं ताकि फूल जो हमारे हों एक समान लगे देखते में और एक समान बने। इस तरह से मैंने इसे 50 बार लपेट के जो एंड का सिरा था जो हमने लपेटा था स्टार्टिंग में उससे इस धागे को जिससे लपेटा है हमने गांठ लगा देंगे ताकि वो खुले ना। इस तरह से गांठ लगाने के बाद
जैसे मैंने वीडियो में दिखा रखा है। मैंने इस सिरे को थोड़ा बड़ा हिस्सा करके काट दिया है। अब मैं इसको इस पैन की मदद से धीरे धीरे बाहर निकालूंगी। ध्यान रहे जो इसका एंड में जो एक ऊन का सिरा छोटा सा दिख रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में लपेटा था, उसको पकड़ के रखना है ऐसे, और धीरे धीरे इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। और जो दूसरा सिरा था जहाँ हमने गार्ड लगाई थी, उसको पकड़ेंगे और दोनों को टाइट पकड़कर एक हम खींचते हुए, धीरे से धागे को खींचते हुए एक हम गांठ लगा देंगे। जब हम गांठ लगाएंगे, दो गांठ लगाने के बाद आप देखेंगे कि गोल फूल की तरह दिखेगा। देखिए ये एक्सेस धागा जो है, इसको मैं काट दूंगी कैंची से। अब ये जो है, ये धीरे धीरे हाथों से हम इसको सेट करेंगे गोलाई में, और ये मेरा फूल बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हम फूल बनाएंगे। हमने ये जो फूल बनाए थे, इस तरह से हम जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था बेस वाला, उस पर हम सेट करके सुई और उसी कलर की ऊन से सिलाई कर देंगे, जिससे वो सेट हो जाए। जिससे मैंने वीडियो में कर रखा है, आप इसी तरह से टाका लगाएंगे तो ये इजी रहेगा। ये मैंने गिन के 12 फूल लिए थे, क्योंकि मेरे इस कपड़े पे अंदाजे मैंने लगाया था 12 फूल ही लग पाएंगे। तो मैंने 12 के 12 फूलों को इस पर धीरे धीरे सुई धागे की मदद से सिल दिए हैं। जब पूरा सिल के तैयार हो जाएगा, देखिएगा बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए, धीरे धीरे एक एक फूल को मैंने इस पर सुई धागे की मदद से सेट कर दिए हैं। धीरे धीरे सारे फूल इसी तरह मैं इस पर सेट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे फूल सेट कर दिए। अब मैंने ब्लू रंग के ऊन से एक चोटी बनाई है, जिससे मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का कंधा तैयार कर सकूं। उसके बाद इस चोटी को मैंने इस पर ऐसे सेट किया हाथों से, और फिर सुई धागे की मदद से मैं इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पे सिलाई कर दूंगी, जैसे कि मैंने वीडियो में की है। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने वीडियो में लड्डू कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अनुसार इस कंधे को बना सकते हैं, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो मीडियम साइज़ के हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। तो मैंने अपने अंदाजे अनुसार, जो उनकी नॉर्मल ड्रेस थी गर्मी वाली, उसके अनुसार उनका कंधा का नाप लिया है, और मैं इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी। क्योंकि ये सर्दियों की ड्रेस है, तो ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए इनका कंधा, इसलिए मैंने डबल चोटी करके एक कंधे के लिए डबल चोटी टाका लगाया है, ताकि ये थोड़े से मोटे रहें। ये दोनों कंधे मैंने ऐसे सेट कर दिए हैं लगा के, और जो कंधे के पीछे वाला हिस्सा है, जो कि पीठ की तरफ रहता है, वहाँ पे मैंने इस तरह से टाका लगा दिया है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा अननेसेसरी का गैप ना रहे। जॉइंट कर दिया है।
देखिए कंधों को सिलने के बाद इस तरह से हमने गांठ लगा दी है लास्ट में, और ये कंधे भी हमारे सिलकर तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे अब हैं। इसमें हम मोती लगाएंगे ऊपर एक एक मोती फूलों के बीच में, ताकि और भी ज़्यादा प्यारे लगे। देखिए ये हमने सेट कर दिया, अब मोती लिया हमने वाइट कलर के, क्योंकि ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में वाइट कलर मोती ज़्यादा अच्छे लगे हैं, इसलिए वाइट कलर के मोती हमने लिए हैं। और इन फूलों के बीच में इस तरह से हमने मोती टाक दिए हैं, एक फूल में मोती लगा, दूसरे फूल से उसे धागे को निकाला है। और जितने मोती जितने फूल हैं उतने ही मोती हमने सब फूलों के एक एक बीच में लगा दिया है सुई धागे की मदद से। फ्रेंड्स ये वाइट कलर का धागा लिया है मैंने, क्योंकि वाइट कलर का मोती है। धीरे सारे मोती हमने नीचे लगा दिए। ये हमारा लड्डू